भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद राजस्थान की राजनीति में हंगामा मच गया है। राधामोहन दास के इस बयान की हर तरफ आलोचना हो रही है। राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने राधामोहन दास अग्रवाल के इस बयान को अशोभनीय बताया है। आपको बता दें कि अभिमन्यु पूनिया ने बीजेपी प्रभारी पर जमकर पलटवार करते हुए बड़ा बयान दे दिया है। अभिमन्यु पूनिया ने बीजेपी कार्यालय का घेराव करने की भी चेतावनी दी है। यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि प्रदेश प्रभारी का काम पार्टी में समन्वय बैठाने का है, मगर राधा मोहन दास अग्रवाल का सचिन पायलट और इनके साथ अशोक गहलोत पर अशोभनीय बयान देना यूथ कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रभारी का दिमाग ठिकाने पर नहीं है और इसीलिए वो अपने ही नेताओं के खिलाफ भी बड़बोलापन कर रहे हैं। बीजेपी प्रभारी ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई तहसीलदार या जिले के प्रभारी हो। अभिमन्यु पूनिया ने आगे कहा कि सचिन पायलट को जमींदोज करने वाले बहुत आए और गए, मगर ऐसा कोई नहीं है जो पायलट की राजनीति को जमींदोज कर दे। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रभारी भाजपा को ही जमींदोज करने राजस्थान आए हैं, इसीलिए राधामोहन अग्रवाल ऐसे अपशब्द बोलकर अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल ने कहा था कि सचिन पायलट कोई चुनौती नहीं है, कभी रहा होगा मगर अब उनका जमाना खत्म हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज राजस्थान की जनता के दिलों में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही राज है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जा चुके हैं और उनका कपाल क्रिया होना बाकी है, इन चुनावों में उनकी राजनीतिक कपाल क्रिया हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।